ऊपर दिखाई दे रहा कलश जो बने हुए हैं मंदिर के, ये कहते हैं पूरा सोने का है। ये आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको नासिक की प्रसिद्ध मंदिर दिखाऊंगा, स्वामीनारायण मंदिर, जो कि गुजरात की जो अक्षरधाम मंदिर है उससे कुछ मिलता जुलता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, दर्शन कराता हूँ, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों मैं मंदिर के अंदर इंटर हो चुका हूँ, देख सकते हैं अभी भी इस पर काम चल रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, देख सकते हैं मैं इंटर हो चुका और भी अंदर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह मंदिर का लुक है। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बजरंगबली जी की मूर्ति। मतलब यहाँ चारों तरफ स्थापना है। देख सकते हैं गणपति जी की मूर्ति है, क्योंकि ऊपर भी मूर्तियां हैं नीचे भी हैं। देख सकते हैं नीचे और भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों देख सकते हैं और भी यहाँ जितने भी महापुरुष हैं उनकी मूर्ति लगाए हैं। देख सकते हैं यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है और ये कुछ बन रहा है। देख सकते हैं बाहर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ चित्र के द्वारा भी दिखाया गया है, देख सकते हैं। और जितने ऋषि मुनि हैं, जो भी संत हैं, देख सकते हैं, मतलब जितने भी चित्र हैं उसके आगे ये बोर्ड भी लगाया हुआ है कि ये किसकी, इस चित्र की क्या पहचान है। देख सकते हैं ये चित्र है, इसकी ये पहचान बताया हुआ कि भगवान स्वामीनारायण के श्रीमुख से मोक्ष मार्ग को स्पष्ट एवं सुलभ करने वाला मार्गदर्शन के अंतर बहता उनकी परावाणी को चार विद्वान परमहंस अक्षर से लिख लेते। परावाणी का संग्रह आज वचनामृत ग्रंथ के रूप में उपलब्ध है। देख सकते हैं मतलब यहाँ हर एक, देख सकते हैं यहाँ जो भी ब्रिटिश काल में जो भी वृत्तांत है उसका यहाँ चित्र के द्वारा बताया गया है। देख सकते हैं ये हैं, इस तरह से उनके आगे बोर्ड भी लगाया गया है। दोस्तों मैं पूरा बोर्ड नहीं दिखा सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। देख सकते हैं ये जीसी, मतलब यहाँ पूरा बोर्ड जो बहुत पुराने समय से उनका पूरा चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं यह बाल गंगाधर तिलक, ये एक मूर्ति। दोस्तों देख सकते हैं ये मंदिर की मूर्ति जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है।
यहाँ से पूरा इसका लोकेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये कुछ गुजरात की जो अक्षरधाम मंदिर है उसकी हल्की फुल्की डिजाइन उसी से डिजाइन ली गई है, देख सकते हो। आप देख सकते हैं जो ऊपर दिखाई दे रहा कलश जो बने हुए हैं मंदिर के, ये कहते हैं पूरा सोने का है ये, यानी पूर्ण रूप से सोने की जो भी कलश हैं ये पूरे सोने की लगाई गई हैं। दोस्तों अब मैं आपको चलिए नीचे लेके चलता हूँ, नीचे भी बनाई गई हैं तो मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ। और यहाँ काम चालू है, अभी ये पूर्ण रूप से मंदिर नहीं बनी हुई है, पीछे भी काम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कुछ और बोर्ड यहाँ लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ अभी काम चल रहा है, ये अभी पूरा नहीं बना हुआ जो यहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा अभी नहीं बना है, इसमें काम चल रहा है, ये बहुत ही जल्द बन जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पूरे लॉकडाउन में, जो भी लॉकडाउन लगा था 2 साल, ये पूरे लॉकडाउन में मंदिर का निर्माण किया गया है। इन 2 सालों में बहुत तेज़ गति से इन मंदिर का निर्माण किया गया है। तो यहाँ से पूरी लोकेशन मंदिर की आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। और ये आपको छोटे छोटे मंदिर दिखाई, इसमें मूर्ति स्थापना की गई है। दोस्तों देख सकते हैं अभी यहाँ काम चालू है, जो कि पूरा रामायण रामचरितमानस का पूरा वृत्तांत यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया जाएगा। देख सकते हैं कुछ चित्र शेषनाग के द्वारा, देख सकते हैं यहाँ से जो मुख तरफ है वो राक्षस हैं और जो पूंछ तरफ है वो देवता हैं। समुद्र मंथन का ये चित्र दिखाया गया है यहाँ, तो आप देख सकते हैं ये भी जब बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ महादेव, जो कि उनकी मूर्ति बनाई गई है, देख सकते हैं महादेव। बहुत ही अच्छी मंदिर बनी है, जो कि अक्षरधाम से जो मॉडल है उसका उसी के अनुसार बनाया गया है। इसका नाम है स्वामीनारायण मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छी मंदिर है। इसमें बहुत से लोग अभी भी नई बनी है, बहुत से लोग यहाँ देखने आए हैं, देख सकते हैं। ये भीड़ और भी काफ़ी होने वाली है और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़, देख सकते हैं। तो मैंने आपको मंदिर का दर्शन दिखाया, अब मैं चलिए ये ब्लॉग आपको कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगा। बाय।